हमारे साथ है ये चौधरी बलराज सिंह प्रधान जी, फतेहपुर बेरी के जो हमारे गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने अलवर जैसे ज़िले में आकर के बहुत अच्छा मतलब इन्होंने अपना आशियाना यहाँ बनाया है, एक फार्म हाउस बनाया है जिसका नाम है फतेहगढ़ फार्म हाउस, और यहाँ रोज़ सैकड़ों पर्यटक आते हैं और यहाँ का पूरा यहाँ के वातावरण का पूरा एंजॉय लेते हैं। तो हमारे साथ हैं चौधरी बलराज सिंह प्रधान जो इस फतेहगढ़ फार्म हाउस के मालिक हैं, इन्हीं से जानते हैं इस फार्म हाउस की एक्टिविटी क्या है। तो हमारे साथ हैं बलराज जी, हम जानते हैं इन्हीं से इसके बारे में। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। फार्म हाउस की हमने गरिमा जो देखी सुनी आज हमने यहाँ आके देखा, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ सुना है बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है कि जब गेस्ट आते हैं। और फतेहगढ़ फार्म पहले कृषि फार्म था, अब ये हमने इसमें रिजॉर्ट चलाते हैं जी। हमारे पास ज़्यादा रूम भी नहीं है, 7-8 रूम ही हैं और गेस्ट बड़े खुश होकर जाते हैं जी। बहुत सारा लंबा एरिया है, 20 एकड़ ज़मीन है जी। हाँ, तो यहाँ पर गेस्टों को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत अच्छे होकर खुश होकर जाते हैं लोग। अच्छा प्रधान जी, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी, आप तो हमारे दिल्ली से ही हैं, दिल्ली से यहाँ के आने का क्या मैं वो समझते हैं? दिल्ली में बहुत सारा पॉल्यूशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये फार्म हाउस हमने बनाया है, यहाँ पे आराम से रहते हैं 10-15 दिन, जब भी दिल्ली से फ्री होते हैं तो यहाँ के रेस्ट करते हैं। तो यहाँ प्रदूषण तो है ही नहीं, मतलब जो देखने को मिल रहा है, इससे हमें कई लोगों से हम और भी जानकारी करी है तो वो भी यानी बड़े खुश हैं यहाँ आकर के। कितने रूम बनाए हैं आपने? रूम कुल 8 हैं जो मैंने, ये दरअसल फार्म हाउस बनाया, होटल नहीं बनाया जी, था जी। तो फार्म हाउस के हिसाब से थे, अब गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस दे दिया तो हम यहाँ पे ये चला रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, आपके पास में सिल्ली सैड झील है, बहुत ही फेमस है, उसके बारे में कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? सिल्ली सैड झील राजस्थान की एक बहुत खूबसूरत झीलों में से एक है, मैं तो राजस्थान भी नहीं कहूँगा, देश की एक बहुत खूबसूरत झीलों में से एक झील है सिल्ली सैड, जहाँ पे बोटिंग होती है, जहाँ पे क्रोकोडाइल पार्क भी है, एक बहुत सारे क्रोकोडाइल आप अभी चले जाओगे धूप सेकते हुए मिल जाएंगे, वो अपने आप में अनूठी है। अच्छा, यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छा माहौल है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ देख रहे हैं, सरकार हमारा अगर थोड़ा ध्यान दे तो कितना अच्छा हो सकता है? देखो, सरकार क्यों ध्यान देगी, सरकार ऐसी चीज़ों पर ध्यान देती तो क्या से क्या हो जाता, हमारे जो इंडियन पर्यटक है वो विदेशों में क्यों जाते हैं सब? देख लो, सरकार कोई ध्यान नहीं देती, ये तो हमें अपनी चीज़ें अच्छी बनानी है, हमें अपना प्रदेश अच्छा बनाना, अपनी चीज़ें अच्छी बनानी। दिल्ली से बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है, अलवर है में ये है, और सिल्ली सीड तो बहुत ही सब लोग पहचानते, बहुत प्रचलित जगह है, और यहाँ आकर के हमने भी जैसा देखा तो काफ़ी दूर से हमें रास्ता भी बड़ा मिलता चला गया, हम जैसे देखा यहाँ आकर के, और भी चीज़ हम देख रहे हैं, लेकिन हमें लोगों से जानकारी मिलेगी, यहाँ हम प्रधान जी हैं जो फार्म हाउस के मालिक हैं, तो इसलिए हम आपके पास में आए। और कोई इस आस पास की कोई एक्टिविटी आपके नॉलेज में? अलवर ज़िला राजस्थान का सबसे खूबसूरत ज़िला है, और यहाँ पे जिस जगह अलवर में आप खड़े हो, यहाँ पे पास में ही भर्तृहरि जी का मंदिर है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वहाँ पे पांडुपुर एक मंदिर बहुत मशहूर है, गरवाजी महाराज का आगे मंदिर है, यहाँ पे देखने के लिए इतना सब कुछ है, अगर आप एक हफ्ते का भी टूर बना के आएंगे तो अलवर से बोर नहीं होंगे। हाँ जी। अच्छा, यहाँ जैसे पर्यटक कितनी संख्या में आ जाते हैं रेगुलर? पर्यटक को कोई सरकार की तरफ से तो प्रचार नहीं है, पर जो एक बार आ गया वो साल में 2-3 बार जरूर आता है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं NCR से ही आते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं, और बार बार आते हैं वो लोग। फतेहपुर बेरी आपका जैसे गांव है बड़ा अच्छा, वहाँ भी यानी छतरपुर के बाद बड़ा मशहूर गांव है, और वहाँ से यहाँ आकर के अपने आप को स्टेबल और यहाँ कामयाबी पाना, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो, मैं यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से रहता हूँ, मस्त, मेरे पास यहाँ गाय हैं, बकरी हैं, खेती है, पेड़ हैं बहुत सारे, जिनको मैं जिनकी देख रेख के लिए हर हफ्ते आता हूँ। मैं यहाँ इस फार्म का माली हूँ दरअसल, मैं महीने में एक हफ्ता यहाँ रहता हूँ, और उसमें मैं इन सब पेड़ों को पानी देने के लिए यहाँ आता हूँ।
अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ हमने और सुना, क्योंकि हमें पता लगे कि आपने तो बड़ा अच्छा जनहित के भी काम बहुत अच्छे करें, सोशल वर्किंग भी की हुई है, और आपने गुर्जर उदय मैगजीन निकाली थी, उसका चलाने हैं भी नहीं? गुर्जर उदय मैगजीन अभी बंद है, क्योंकि अभी ये ज़माना बदल गया, सब फेसबुक पे। हम त्रिमासिक पत्रिका चलाते थे, वो 3-4 महीने बाद लोगों को खबर पहुंचती थी, फेसबुक पे अभी पहुंच जाती है कि आज ये हुआ, तो वो हमारी खबरें फिर क्या लोग बोले तो सड़ी हुई खबरें हो गई है ना जी। तो इसलिए गुर्जर उदय बंद कर दिए पत्रिका। अब आप जैसे लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, वो अभी पहुंचा देंगे आज की बात को, आज ही, और हम 3 महीने बाद देंगे उस खबर को, तो वो फिर जमता नहीं है। अच्छा, आपने सुना एक सनी देओल को लेकर फिल्म भी बनवाई थी, मतलब उसमें आपका रोल भी था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? राइट या रॉन्ग? मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, हरियाणवी फिल्में बनाई हैं, हिंदी फिल्में बनाई हैं। सनी देओल को लेकर राइट या रॉन्ग, जिसमें इरफान खान थे, कोकना सैंती, साकोपी करते, बड़ी फिल्म थी, तो 2008 में बनाई थी, वो बहुत बड़े बजट की फिल्म थी उस टाइम में, और खूब चली भी, पर मैं अब जंगल में रह के खुश हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने एक ताऊ झगड़ू गुजर मूवी भी बनाई थी, उसका एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा? वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, वो हमारे सपने थे, वो पूरे हुए उन फिल्मों से। नहीं, अपने समाज के लिए, समाज के लिए भी काम किया, और सारी जो समाज में बुराइयाँ हैं उसमें वो भी बताई गई, जो समाज में अच्छाइयाँ वो भी बताई गई। हाँ जी। अच्छा, मैं जान, अलवर आने वाले पर्यटकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप आए अलवर, बहुत अच्छा अलवर है, मज़ा आएगा। अलवर शहर में अंदर खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अलवर शहर में इतने महल हैं, इतने किले हैं, आप देख के थक जाएंगे। अलवर अपने आप में एक, अलवर राजस्थान का कश्मीर है दरअसल, मैं ये कहूँगा। तो ये थे हमारे साथ बल्लाज जी, आज लेके चलेंगे मंदिर दिखाते। तो हम हैं फतेहगढ़ फार्म हाउस में, और यहाँ जानते हैं यहाँ के पर्यटकों से, जो यहाँ आए हुए हैं अपने समय से व्यतीत करने के लिए, और उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ हैं जीतू जी, जितेंद्र जी, जो दिल्ली की मशहूर एक नेता हैं, और इन्हीं से जानते हैं यहाँ के आपको कैसा लगा। जितेंद्र जी नमस्कार। देखिए, बहुत खूबसूरत नज़ारा है प्रकृति का, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो वादी घाटी के अंदर ये फतेहगढ़ फार्म है, बहुत खूबसूरत फार्म है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको पास ही सिलीसर लेक नज़र आएगी, जो बहुत खूबसूरत लेक है और बहुत अद्भुत लेक है ये, और मुझे लगता है कि एक बार जब आप सिलीसर लेक आएँ तो फतेहगढ़ फार्म भी ज़रूर आएँ। यहाँ रहने के जो हट बनाए हुए हैं बहुत खूबसूरत हट हैं, और नज़ारा वास्तविक में प्रकृति का अगर सौंदर्य आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आके देख सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इससे पहले भी आप यहाँ आए? नहीं, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन अब मन ऐसे करता है कि यहाँ कुछ दिन हम रुक के जाएं, यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और जो बनाने वाले इसमें चौधरी हैं बलराम जी, उन्होंने दिल से ये बनाया, लोगों के लिए बड़ी निष्ठा से, सेवा से, बहुत अच्छा जगह, खूबसूरत जगह है। बल्लाज जी, जिनका ये फार्म हाउस है, उन्होंने तो काफ़ी दिल्ली से यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा फार्म हाउस बनाया है, और हमने तो आज देखा है कि यहाँ के जो पर्यटकों से हम जानकारी ले रहे हैं, जो हमें मिल रही हैं, बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए हम आपसे। और कोई यहाँ के बारे में एक्टिविटी बताएं? देखिए, मैं एक सरकार से कहना चाहता हूँ, जो राजस्थान सरकार है, यहाँ इस लेक का थोड़ा सा व्यवस्थित करें, इस लेक को, इतनी खूबसूरत लेक है, टूरिज़्म इतना प्रमोट हो सकता है, बहुत टूरिस्ट यहाँ आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान आपको देना पड़ेगा, थोड़ा कार्य उस लेक के लिए। वहाँ एक होटल है, बड़ा खूबसूरत महल है पुराना, उसके थोड़ा रेनोवेशन, थोड़े रोड यहाँ, तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत आकर्षित करेगा, और बहुत आकर्षित का केंद्र ये लेक रहेगी। तो यहाँ अब ऐसे सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? देखिए, जो राजस्थान का टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन पर खासकर यहाँ ध्यान, ऐसी जगह, क्योंकि राजस्थान एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ पर पुराने ये महल हैं, देखने वाले महल हैं यहाँ पर, उन्हीं में से ये लेक के ऊपर एक महल है। अगर यहाँ जो इनका अप्रोच रोड है, इसको बहुत अच्छा सुंदर बनाएं और लेक में यहाँ अगर प्रमोट करेंगे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की बेहतर, जो सबसे बेहतर लेक में से है, वो ये जगह बन सकती है। आने वाले पर्यटकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरी जो भी पर्यटक यहाँ आए, वो इस जो हमारा ये फार्म है फतेहगढ़ फार्म, यहाँ पर ज़रूर आके रहे, वातावरण इसका देखे,
कि कैसे प्रकृति की नज़दीक हैं। यहाँ इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, बर्ड्स इतने खूबसूरत आते हैं यहाँ देखने वाले, और चारों तरफ पहाड़ है। इन वादियों के बीच में ये फतेहगढ़ फार्म जो बसा हुआ है, और उसको ज़रूर आके यहाँ प्रकृति का आनंद उनको लेना चाहिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, जो दिल्ली से यहाँ अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं। धन्यवाद।